हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मेथड्स के बारे में, राइट? सो फाइल हैंडलिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट? अगर जहाँ जावा की प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना? सो जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिंट राइटर क्लास क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से प्रिंट राइटर क्लास को यूज करके डेटा हम राइट करते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बफर्ड रीडर क्लास, बफर्ड राइटर क्लास, ठीक है? अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए आज हम ये सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे कोई भी फाइल है, उस फाइल का रीनेम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उस फाइल का नेम गेट कर सकते हो, उसका एब्सोल्यूट पाथ कहाँ पे है वो फाइंड कर सकते हो, उस फाइल में डेटा राइट कर सकते हो या नहीं वो बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स में बताएगा, ठीक है? कैन रीड कर सकते हो या नहीं, लेंथ है, डिलीट मेथड है, ये सारे मेथड आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ये सारे फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का है, ठीक है ना? फाइल हैंडलिंग चैप्टर का मेथड है। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए वन बाय वन हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नेम दिया है मैंने यहाँ पे file6.java, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूंगा java.io, इनपुट आउटपुट, ठीक है, पैकेज को इसको, चलिए, एंड देन स्टार क्लास क्रिएट कर लिया मैंने, क्लास का नेम दे दिया माई फाइल, कुछ भी दे सकते हो ऑफ, ठीक है, क्लास का नेम, मेन मेथड, और यहाँ पे मैं फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? और मैंने यहाँ पे फाइल पास कर दिया abc.txt। ये हमने प्रीवियस बेसिकली लेक्चर में क्रिएट किया था, इसमें डेटा राइट किया था इस फाइल में, है ना? तो ये देखो कुछ डेटा भी होगा हमारे पास, ये रहा कुछ डेटा है हमारे abc.txt फाइल में, ठीक है? चलिए इसी का रीनेम करूंगा, इसी का फाइल का नेम चेंज करूंगा, ठीक है ना? चलिए देखिए, अब चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल का नेम क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे file1 ऑब्जेक्ट फाइल का ही क्रिएट कर लेता हूँ, देन मुझे रीनेम करना है, क्लियर है? तो रीनेम करना है मुझे फाइल फाइल, और यहाँ पे दे देता हूँ मुझे रीनेम करना है दीपक डॉट txt, txt, ठीक है? ऐसा नहीं, फॉर्मेट कुछ भी दे सकते हो, मैंने txt दिया, आप डॉट जावा भी लगा सकते हो फॉर्मेट, ठीक है? चल अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको पता है कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन थ्रो होता है, अगर जहाँ आप फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन थ्रो होता है, और इसको हैंडल करने के लिए थ्रोज कीवर्ड होता है, यूजिंग थ्रोज कीवर्ड या ट्राई कैच लगा सकते हो दोनों, ठीक है? चलिए मैं ट्राई कैच के अंदर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंडीशन लगा देता हूँ, ट्राई कैच के अंदर कंडीशन। वैसे फाइल में मुझे डेटा राइट नहीं करना है, तो राइट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये चीजें हटा दो अभी, जब राइट करोगे तब ट्राई कैच की जरूरत पड़ेगा, ठीक है? चलिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, अगर फाइल डॉट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट मेथड, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस फाइल का नेम रीनेम कर दूंगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं प्रिंट एलन, फाइल का जो है आपका, ये फाइल का फर्स्ट वाले जिसमें हमने abc.txt फाइल हमने इस वेरिएबल में रखा है, ठीक है ना? तो फाइल डॉट रीनेम, री नेम टू, और यहाँ पे कर देता हूँ रीनेम जो हमने यहाँ पे file1 में पास किया है, हम वही नेम चेंज करना चाहते हैं दीपक डॉट txt, क्लियर है पॉइंट? एल्स अगर जहाँ फाइल नहीं होगा तो आपको क्या दे देगा, यहाँ पे कुछ एल्स में प्रिंट करा लो, समथिंग लाइक मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, फाइल डज नॉट, ठीक है, एग्जिस्ट, क्लियर पॉइंट, समथिंग। चलिए अब मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कि रीनेम हो रहा है या नहीं हो रहा है।
मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया और मेरा जो फोल्डर है जावा का वो है डेस्कटॉप पे। मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, सीडी जावा नाम का फोल्डर है, चले गया। जावा सी फाइल का नेम है file6.java, मेरे जावा फाइल का नेम है। देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है माई फाइल। चलिए अब यहाँ पे देखो ट्रू हो गया, मतलब ये चेंज हो चुका है ना। चलिए चेंज हो चुका है तो चेक करो, यहाँ पे आपका आया होगा ये देखो दीपक डॉट टी एक्स टी, आपका ये देखो डेटा चेंज हो गया, डेटा वही है, फाइल नेम चेंज हो गया, देख लो आप। क्लियर है पॉइंट? ये आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है। ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देन एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखो, और फिर मेथड्स हैं, जैसे कि मेथड्स है आपका गेट नेम मेथड। चलिए मैं इसी को यहां से कॉपी करता हूँ इस मेथड को, और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। क्लियर है? इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा दिया। चलिए अब मैं यहाँ पे जो मैंने फाइल अभी क्रिएट किया, रीनेम किया, उस फाइल का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, उसी फाइल का लोकेशन दे देता हूँ, ठीक है। दीपक डॉट टी एक्स टी, एंड देन मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर सारे मेथड्स को अप्लाई करूंगा, यूज करूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, अगर जहाँ फाइल फाइल तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, फाइल डॉट एग्जिस्ट मेथड, तो आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन बताओ। तो मेथड मैंने यहाँ पे अभी जस्ट बताया था आपको, गेट नेम मेथड फर्स्ट है ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिखो आप, ये आपका फाइल का नेम बताएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल नेम प्लस फाइल डॉट डॉट गेट नेम, ठीक है, गेट नेम मेथड। क्लियर पॉइंट? एल्स 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 में ये क्या बताएगा आपका, वही चीजें दे देता हूँ, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट है ना, फाइल डज एग्जिस्ट। क्लियर है पॉइंट? डन। सारे मेथड्स पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा छोटा मेथड्स ही है, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर हम कंपाइल करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सारे मेथड को, हम यहाँ पहले यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका गेट एब्सोल्यूट पाथ मेथड, ठीक है। चलिए और ये क्या बताएगा आपका, फाइल लोकेशन। चलो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मेथड, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैन राइट, कैन राइट। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपको बताएगा कि आप राइट कर सकते हो या नहीं, ठीक है, ट्रू फॉल्स में राइटेबल, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। नेक्स्ट वन इज वो रीडेबल फॉर्म में है नहीं, रीड कर सकते हो नहीं, उसके लिए कैन रीड मेथड होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीडेबल, रीडेबल, ठीक है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। देन मैं यहाँ पे इसका लेंथ अभी देख लेता हूँ, लेंथ ये क्या बताएगा, साइज, फाइल साइज। चलिए क्लियर है पॉइंट? अभी इतना चला के दिखाता हूँ, चलिए इसको कंपाइल करते हैं फिर से, कंपाइल्स फाइन। देखो यार तो फाइल का नेम क्या है, दीपक डॉट टी एक्स टी बता दिया। अब ये कहाँ पे है, देखो जावा नाम के फोल्डर पे है, डेस्कटॉप पे, बता दिया। ये ट्रू, आप राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। साइज कितना है, 15। आप यहाँ पे काउंट करोगे तो ये आपका 15 है टोटल, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए अब ये नेक्स्ट, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। चलिए देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल डिलीटेड, देन प्लस फाइल फाइल डॉट डिलीट मेथड, ठीक है।
ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। चलिए देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं एक बार। कंपाइल्स फाइन, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू मतलब डिलीटेड, ट्रू आ रहा है। चलिए एक बार चेक करते हैं यहाँ पे है क्या। देखो यहाँ पे दीपक है नहीं, चेक कर लो। अब फिर से एक बार चलाओगे आप, फिर से कंपाइल करोगे, देखो यहाँ एक बार फिर से कंपाइल करता हूँ तो एल्स पार्ट चलना चाहिए। देखो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है पॉइंट। तो ये सारे मेथड्स हैं, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, जब जाओगे जावा की प्रोफाइल पे इंटरव्यू देने, ये सारे मेथड्स पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्लियर है ना। तो ये हमने डिस्कस किया मेथड्स, जो फाइल हैंडलिंग का बेसिकली मेथड है, फाइल हैंडलिंग चैप्टर का जावा में, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स पूछा गया, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।